उन्होंने कहा कि एसओजी और मंत्रियों की सब कमेटी ने पेपर रद्द करने की बात कही है, लेकिन अंतिम निर्णय सीएम लेंगे। बता दें, इससे पहले पुलिस ने भी 3 बार उनसे बात की, लेकिन अभी तक युवक पानी की टंकी पर ही है। तो वहीं दोनों युवकों का ये कहना है कि हमारे कुछ साथियों को सीएम बजलाल शर्मा से मिलाया जाए, इसके बाद सीएम लेटर जारी कर भर्ती परीक्षा रद्द करने की घोषणा करें, वही इसके बाद ही वो पानी की टंकी से उतरेंगे। किरण लाल मीणा जो दो युवक टंकियों पर चढ़े हुए हैं, रविवार से उनके पास पहुंचे हैं, उनको मनाने के लिए पहुंचे हैं। मंत्री जी, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के बीच में आप आए हैं और इनको जो दो दिन से महत्वपूर्ण नहीं है, बेरोजगारों का मुद्दा महत्वपूर्ण है और वो भी ऐसी स्थिति में 2.5 दिन से ऊपर बैठे हुए हैं, भोजन भी नहीं मिल रहा, पानी भी नहीं मिल पा रहा, तो इनके जान प्राण वो बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चुनाव छोड़ के बीच में आ गया। इन पर मेरा भरोसा है कि मेरा कहना मान जाएंगे, क्योंकि सारे प्रदेश के बेरोजगार मेरे पर विश्वास करते हैं कि मैं इनकी लड़ाई अंतिम परिणाम तक पहुंचाता हूं। आपने शुरू भी ये आपने किया था कि इस भर्ती में धांधली, वो तो मैंने सभी भर्ती की धांधली 18 में से 17 पेपर की धांधली के प्रमाण उजागर किए थे मीडिया के सामने, और मीडिया का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, लेकिन पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार ने कम से कम 50 थानेदार को जेल में डाल दिया और 2 RPSC मेंबर्स को भी जेल में डाल दिया। किरण लाल जी, एक धड़ा कह रहा है कि भर्ती बरकरार रखी जाए, एक कह रहे मैकेनिज्म विकसित की जाएगी जिसमें कॉम्पिटेंट और परिश्रमी बच्चे वो बच जाएं, बाकी फर्जी लोगों की जगह परीक्षा हो जाए। भर्ती रद्द दूर, मेरे को भरोसा है भर्ती रद्द। तो ये किरण लाल मीणा जो कह रहे हैं कि जो SI भर्ती है उसमें गड़बड़ी हुई थी वो रद्द होगी। जो छात्र हैं कल से रविवार से टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि कल से पानी भी इन लोगों ने नहीं पिया है, और किरण लाल मीणा यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको छात्रों को जो है पानी किरण लाल मीणा की ओर से पिलाया भिजवाया जा रहा है। और किरण लाल मीणा ये कह रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द किया जाएगा, सरकार उपचुनाव के बाद जल्दी इस पूरे मामले पर फैसला लेगी। कई जो आरोपी हैं इस भर्ती में गिरफ्तार हो चुके हैं, इन तमाम लोगों की बात है वो सुनी जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ।